नानक मत्ता में सिख धर्म के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया। वहीं आपको बता दें कि पांच प्यारों की अगुवाई में नानक मत्ता गुरुद्वारे नगर कीर्तन का 11 बजे से प्रारंभ किया गया, जिसमें सिख संगत के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। ये गुरु नानक पातशाह जी के 10वें स्वरूप साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के आगमन स्वरूप पर उनके प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में ये आज नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के काफ़ी संगत आई और बहुत अच्छे उपाय किए गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जो थे एक इतिहास में एक निराली, एक अद्वितीय, एक बेमिसाल शख्सियत थे और उन्होंने अपने जीवन में लोकाई को, सिखों को उस अकाल पुरख से जोड़ा और साथ में ये भी कहा कि आप एक अकाल पुरख को मानना है और अपने को ये भी कह दिया कि जो हमको परमेश्वर उच्चर है ते सब नर कुंड में पर है, ये ताड़ना की। और उन्होंने अपनी 9 साल की अवस्था में अपने पिताजी को गुरु तेग बहादुर जी को 1675 में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी के लिए भेजा और आप जी ने अपने 42 साल की उम्र में ये पवित्र चरण छू प्राप्त श्री गुरु नानक देव जी से पवित्र धरती के उत्ते अज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इतों की जी सिंह सभा है, जी नगर पंचायत है, इलाके दी संगतां ने सारे संगतां जी के हजारों की गिनती इकट्ठे सन मिल के 10वें पिता पातशाह जी सरबंस दानी जिन्होंने अपना सारा सरबंस दान कर दिता और महान कवि महान सूरबीर योधे वाहो वाह गोबिंद सिंह कापे गुरचेला उन्हों का 354 जो प्रकाश दिहाड़ा है बड़ी धूमधाम के नाल सवेरे 10:30 आरंभ होया सी। पूरे नगर तपेड़ा नानकपुरा विच नगर कीर्तन हुंदा होया करीब शामा नू 4 बजे लगभग नानकपुरा वापस पहुंचे। 10 समूह संगतों का कमेटी के जो हमारे मैंबर साहबान जहाँ आए हुए थे तपेड़ा सिंह सभा का और जो इस समय हमारे इलेक्ट्रिक मीडिया के जो साथी हमारे पास मौजूद हैं, मैं इन सभी का अति आभारी हूँ और गुरु के चरणों में अरदास करता हूँ। स्थिति पिता पातशाह जी हमें बल बुद्धि बख्शो, हम आपके 10 उपदेशों के अनुसार हम पर जीवन व्यतीत कर सकें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में कक्षा 12वीं की छात्रा नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। वहीं उसको देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव के ही दबंगों ने कालिज जाति छात्रा को रास्ते से उठाकर तमंचे के बल पर चलती कार में किया गैंगरेप। वहीं आपको बता दें कि दबंग आरोपियों ने दरिंदगी की घटना का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला किया दर्ज। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। कहां का मामला है और क्या पूरी घटना? यह थाना खानपुर क्षेत्र में एक जानकारी पुलिस को मिली थी बीती रात कि एक छात्रा के साथ उसी के गाँव के 2 युवकों द्वारा एक कार में उसको बैठा करके फिर उसके साथ रेप किया गया था। इस जानकारी पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई, छात्रा के परिजनों से संपर्क करके बुलवा के तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वो कार और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में वार्ड नंबर 24 डोमनपुरा खुद बगिया में कई सालों से मोहल्ले में आने जाने के लिए सही रास्ते नहीं थे और ना ही पानी निकासी के लिए पक्की नालियाँ थी, जिसको लेकर मोहल्ले वाले काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आपको बताते चले कि मोहल्ले के सभासद प्रतिनिधि सब्बू अंसारी ने इस वर्ष नगर पालिका द्वारा मिट्टी भराई, नाली और सीसी इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया। सर आज किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम था? यहाँ पे डोमनपुरा खुद बाकी फरीदा खातून वार्ड नंबर 24 में यहाँ पे इंटरलॉकिंग और नाली रास्ते का उद्घाटन था। बहुत खराब पोजीशन में था, बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी कि आबादी बहुत पुरानी हो गई है, रास्ता नहीं है। वो आज रास्ता का लोकार्पण हुआ, मैं सबको बधाई देता हूँ कि आप स्वयं सफाई सुथराई रखें, स्वच्छता बनाए रखें, इंटरलॉकिंग पे कहीं खराबी ना पैदा करें और जो भी कुछ लोगों ने काम दिखाए हैं कि ये काम अधूरे हैं उनको भी बहुत जल्दी पूरा कराया जाएगा, जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। आज जो स्वागत किया गया है जिस तरह से, तो क्या लगता है कि ये इस मोहल्ले वासियों के आपके दिलों में कितनी मोहब्बत है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत दिनों से काम नहीं हुआ था और काफी हो जाने के बाद काफी उत्साह था कि इन लोगों की बातें पूरी हुई और काफी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि और भी जो काम है वो इसलिए सम्मान दे रहे हैं कि हमारे जो अधूरे काम है उनको भी पूरा करा दें।
यही उनका कहना था जी जी। तो मैं वादा किया हूँ कि मैं जो भी अधूरे काम है जी उनको पूरा कराऊंगा। मैं नए वर्ष पे आज नया साल का पहला दिन है जी। मैं यहाँ के सभी शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इस मोहल्ले वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो हमारा यही है कि आप सफाई रखें, सुथराई रखें, कूड़ा जो आता है लेने के लिए तो डोर टू डोर कलेक्शन, जो दरवाजे पे कूड़ा दे दें, इधर उधर कूड़ा न फेंकें, यही मेरा संदेश है। बाहर शौच न करें, पैखाना न करें, घरों में टॉयलेट बनाएं और शौच करें। नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर त्योरी निवासी अवधेश राजपूत ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी रीना देवी घर से 3:30 बजे घरेलू सामान लेने के लिए नवाबगंज बाजार गई थी। वहीं आपको बता दें कि देर रात तक वापस नहीं आई, जिसकी सूचना अवधेश ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना हुई। अवधेश ने स्वयं ही अपनी पत्नी रीना देवी की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि एटा जिले के थाना नया गांव के ग्राम अल्लापुर का निवासी विजेंद्र राजपूत रीना को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। इस मामले में अवधेश राजपूत ने थाना अध्यक्ष से तहरीर देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने पीड़ित को वहां से टरका दिया। 11 में गुम हो गई, फिर मैंने थाना आकर के सूचना दी तो मेरी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो बताया कि कहाँ कैसे क्या गायब हुई है? फिर मैंने छानबीन की तो पता चला कि जनपद एटा का रहने वाला है, गांव अल्लापुर, नाम विजेंद्र सिंह, सना महपाल सिंह, थाना नया गांव, जनपद एटा। उसके खिलाफ़ आपने तहरीर दी है? हाँ, उसके खिलाफ़ तहरीर दी तो थाना प्रभारी ने मुझसे ये कहा कि कोर्ट में जाके रिपोर्ट लिखाओ जाके, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं होगी। कब कहा था? ये कहा था मुझसे 25/12 को मैंने एप्लीकेशन दिया तो मुझे मना कर दिया और मुझे भगा दिया गया। क्या बताया? ये बताया कि तुम्हारी रिपोर्ट नहीं, विवाहिता की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। बीती शाम घर से निकले ग्रामीण युवक कसब सड़क के किनारे पानी में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। खबर फारुखाबाद के मेरापुर से है। ये घटना हुई है, इसके बारे में सर क्या घटना है? ये ननकू नाम का एक 30 वर्षीय युवक, उसकी डेड बॉडी यहाँ पानी का गड्ढा है जैसा बगल में आपने देखा, उसी में पाई गई है। कोई ज़ाहिरा तौर पे चोट नहीं है बॉडी पे, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि शाम को कुछ लोगों के साथ हो गया था और उन्हीं लोगों ने इसकी हत्या कर दी है। तो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और तहकीकात की जा रही है कि क्या इसमें सच्चाई है। जो सही स्थिति होगी उसकी जानकारी करके उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। क्या हेमराज, आपके पिताजी का नाम क्या? अवधेयाल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? भावनपुर। अच्छा, ये जो खत्म हुए वो कौन है आपके? ननकू है मैं भाई। अच्छा, आपका भाई सगा भाई है? हाँ। अच्छा, ये कैसे क्या हुआ? अब इसे पता नहीं, दारू पीने वाले पता लगे 3 लोग थे। अच्छा, हम तो घर पे थे, किसी को देखा नहीं, हम कहीं नाम दे सकते किसी का। अच्छा, जो पीने खाने वाले आत्मा। हाँ, ये गायब कई बजे से हुए? जो पता नहीं मेरे को कई बजे गायब भाई हैं, हम तो 9 बजे तक घर पे पहुँच जाते हम। सूचना कितने टाइम मिली आपको? ऐसे मिली 7 बजे के बाद।